इस वीडियो में सबका स्वागत है दोस्तों। ये वीडियो शुरू करने से पहले आपके एक फायदे की बात जरूर कहना चाहूंगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे तो आपको इस सब्जेक्ट का लिंक मिल जाएगा, जिसको आप क्लिक करोगे तो चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे के सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे और दूसरे सब्जेक्ट के भी लिंक्स मिल जाएंगे, जिसमें चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस मिल जाएंगे। और एक और आपको आइडिया देता हूं, मेरे चैनल को आप क्लिक करोगे तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाओगे तो आपको 20 के ऊपर सब्जेक्ट्स के लिंक मिलेंगे। बस आपको क्लिक करना है जो सब्जेक्ट आपको के वीडियो चाहिए, बस आपको चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो ताकि आपको हर रोज जो हम अपडेट करते वीडियोस वो मिलते रहे। तो हम शुरू करते हैं इस क्वेश्चन का वीडियो अभी। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को हम प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट भी बोल सकते हैं। सो जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है बेसिक लेवल पे, उसको पांच भाग में बांटा जाता है। तुम्हारे सामने ये ड्राइंग आ रहा है। और ये जो पांच फंक्शन है, ये छठवा जो है ये फंक्शन नहीं है, कोऑर्डिनेटिव या कोऑर्डिनेशन, ये पांचों कड़ियों को जोड़ता है। सो फंक्शंस कितने हैं? पांच। और ये जो कोऑर्डिनेशन है, इट जस्ट बोलते हैं ना, कनेक्ट्स दी फंक्शंस बट डज नॉट परफॉर्म दी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। क्लियर विद दिस पार्ट? सो तुम्हारे सामने फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आया है। नाउ सबसे पहले जब भी हम मैनेजमेंट की बात करेंगे, देर विल ऑलवेज बी द ऑब्जेक्टिव जो मैंने बताया था, ठीक है ना? सो देर विल ऑलवेज बी सम ऑब्जेक्टिव विच विल बी देयर, जिसके थ्रू सारा काम होगा। सो मैनेजमेंट इज बेस्ड ऑन अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारा 2021 को डायरेक्ट मैनेजिंग डायरेक्टर बोल रहा है कि 1,20,000 गाड़ियां बेचना है। ये क्या है? तुम्हारा मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है अगले साल का। ये साल तो बीत गया, एक तरीके से 4-5 महीने ही बाकी है। ऑब्जेक्टिव्स तो हमेशा आगे वाले समय के लिए ही रहता है। सो ये 1,20,000 सपोजिटली गाड़ियां तुमको बेचना है। सो नाउ व्हाट द मैनेजर, मैनेजिंग डायरेक्टर विल डू, मैनेजिंग डायरेक्टर विल कॉल दी सेल्स डिपार्टमेंट या सेल्स मैनेजर एंड से कि क्या ये इतना गाड़ियां बेच सकते हैं। सेल्स मैनेजर ऑन द एडवाइस ऑफ, बोलते हैं ना, सेल्स एग्जीक्यूटिव्स इन एवरीथिंग विल से कि भाई आपने जो ऑब्जेक्टिव रखा है 1,20,000 का, बहुत ज्यादा है, लेट अस कीप 1 लाख बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। सो जो मैनेजिंग डायरेक्टर ने खुद से जो ऑब्जेक्टिव रखा था, नाउ ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स मैनेजर कोविड का, दे हैव मेड इट 1 लाख। लेकिन सिचुएशन ऐसा है कि 1 लाख जो है साल का 12 महीने में है, बट इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू क्वार्टरली। क्वार्टरली मतलब 3 महीना में, हर 3 महीने में उनको 25,000 गाड़ी बेचना पड़ेगा। आया समझ में? सो अब इनको ये प्लान बनाना है कि 25,000 गाड़ी बेचना है। उसके लिए सेल्स मैनेजर को क्या करना पड़ेगा? एक तो प्राइसिंग तय करना पड़ेगा, फिर बोलते ना एडवर्टाइजिंग करना पड़ेगा, गाड़ी को डीलरशिप में पहुंचाना पड़ेगा। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि मैनेजमेंट का सबसे पहला फंक्शन इज द प्लानिंग फंक्शन। प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। जैसे कि अभी 2020 चल रहा है, तुम लोग 2021 का एडवांस में प्लान करते हो कि आफ्टर द सेकेंड सेमेस्टर मे बी यू विल गो आउट ऑफ टाउन समवेयर। सो प्लानिंग भविष्य के लिए होता है, आज करते हैं। सो व्हाट इज प्लानिंग? प्लानिंग मैनेजमेंट फंक्शन का पहला फंक्शन है। प्लानिंग मैनेजमेंट का आखिरी फंक्शन है, ठीक है ना, कंट्रोलिंग। सो तुम्हारा स्टार्ट कैसे होगा? प्लानिंग इज दी फर्स्ट फंक्शन
या तो फर्स्ट स्टेप इन द मैनेजमेंट. व्हाट डज प्लानिंग डू? प्लानिंग डिसाइड्स इन एडवांस द थिंग्स टू बी डन इन द फ्यूचर. ठीक है ना. नाउ इसके लिए कंपनी क्या करती है, सबसे पहले जब डायरेक्टर ने सपोजली अभी अक्टूबर चल रहा है, बराबर है, अभी अक्टूबर चल रहा है, इन लोगों को पता है कि फिनेंशियल ईयर अगले साल का 1/4/2021 to 31/3/2022 ये अगला फिनेंशियल ईयर है. अगले फिनेंशियल ईयर के लिए प्लान फाइनलाइज हो चुका है, मतलब गोल सेट हो चुका है कि 1,00,000 गाड़ियां बेचना है. ठीक है ना, ये गोल है. इसको मैं ऑब्जेक्टिव बोलूंगा. नाउ व्हाट द मैनेजिंग डायरेक्टर विल डू, ही विल से मुझे पूरे साल का एक ड्राफ्ट प्लान तैयार करके दो. नाउ व्हाट इज अ ड्राफ्ट प्लान? ड्राफ्ट प्लान में पहले तो सेल्स डिपार्टमेंट को बेचना है गाड़ियां, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बनाना है गाड़ियां, गाड़ी बनाने के लिए रॉ मटेरियल लगेगा वो परचेज डिपार्टमेंट को करना है, फिर एचआर को हर जगह पे एम्प्लॉय देना है प्रोडक्शन के लिए, परचेज के लिए, और फिनेंस डिपार्टमेंट को पे करना है. तो पूरे साल का ऐसा ऑब्जेक्टिव सेट होता है कि हर क्वार्टर 3 महीने में 25 गाड़ियां बेचना है. इस प्रकार से एडवर्टाइजमेंट करेंगे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाला अपना प्लानिंग करेगा कि मशीन्स इतने लगेंगे, हर रोज का इतना प्रोडक्शन होगा. सो ये प्लान हर एक के पास मौजूद रहेगा. एक बार ड्राफ्ट प्लान को जब फाइनलाइज कर देते हैं तो वो फाइनल प्लान बन जाता है और हर एम्प्लॉय को एक्सपेक्टेड है कि वो प्लान के हिसाब से चले. ऐसे सोचो कि डिस्कशन जो करते हैं, ठीक है ना, डिस्कशन, तुम सोचो गोवा में जाना चाहते हो, दैट डिस्कशन इज कॉल्ड प्लानिंग. लेकिन जब तुमने सोच लिया 10 तारीख को जाएंगे, ये फ्लाइट से जाएंगे, वहां पहुंचेंगे तो ये करेंगे, सो दैट इज कॉल्ड एज अ प्लान, रिटर्न फॉर्म जो फाइनलाइज बन चुका. जैसे तुमको एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना है तो जो डिस्कशन कर रहे हैं उसका ड्राफ्ट, उसका डिस्कशन करने के बाद में याद है ब्लू प्रिंट, तूने कभी वो फोटो देखा है कंस्ट्रक्शन का, एक ब्लूइश कलर में आता है बड़े कागज में? हाँ सर, देखा है. That is called as a blueprint. Technically वही प्लान है, लेकिन वो प्लान बनने से, मतलब प्लानिंग इज द प्रोसेस और प्लान इज द आउटकम ऑफ द प्रोसेस. सो फंक्शन हमेशा शुरू होता है प्लानिंग से और उससे बनता है प्लान. पहले तो ड्राफ्ट प्लान बनता है और फिर फाइनल प्लान बनता है. अब सब कुछ फाइनल प्लान के हिसाब से ही कंपनी को सारे एम्प्लॉयज को मूव करना है. अब प्लानिंग तो हो गया, फर्स्ट स्टेप हमारा क्लियर हो गया कि हमने प्लानिंग किया, प्लान बनाया, प्लान में दो चीज सेटअप किए, ऑब्जेक्टिव्स हमने बनाया, ठीक है ना, और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए प्लान्स बनाए. सो प्लानिंग सबसे पहले ऑब्जेक्टिव सेट करता है और प्लान सेट करता है जिसके वजह से ऑब्जेक्टिव अचीव होंगे. लेकिन तुमको क्या लगेगा, ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग में क्या है, यू विल रिक्वायर मेन एंड यू विल हैव वर्क टू डू. बराबर है, सिंपल लॉजिक पे तुमको लोग लगेंगे और काम रहेगा. सो ऑर्गेनाइजिंग बेसिकली इज द सेकेंड यू कैन से फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. सो व्हाट ऑर्गेनाइजिंग डन डज इज मेन, मतलब कि हायरार्की होता है ना, टॉप लेवल, मिडल लेवल और लोअर लेवल, कौन क्या काम करेगा ये डिसाइड होता है. सो मिडल लेवल जो फंक्शनल डिपार्टमेंट होता है, टॉप लेवल इज द डायरेक्टर, जैसे कॉलेज का प्रिंसिपल इज द टॉप लेवल, टीचर मिडिल लेवल पे, लोअर लेवल पे तुम्हारे क्लर्क्स आएंगे, ऐसे सोचो. सो ये हायरार्की तैयार किया, डायरेक्टर टीचर से काम करवा के लेगा, जिसको मतलब टॉप लेवल का, मैं इसको रब करके ठीक से बताऊं तो तुमको समझेगा. इधर जैसे कि प्रिंसिपल है वो टेक्निकली टॉप लेवल पे माना जाएगा, उसके बाद ये टॉप लेवल पे होगा, मिडिल लेवल पे टीचर्स आएंगे तुम्हारे, ये मिडिल लेवल हुआ, और लोअर लेवल पे क्लर्क्स होगा, क्लर्क जो है कंपनी के या कॉलेज के, ये लोअर लेवल पे होगा. सो ऑर्गेनाइजिंग में पहले तो तुमको डिसाइड करना है कौन क्या काम करेगा,
ठीक है ना, पहले सबको एक स्ट्रक्चर बना दिया, ये जो है ना ये तुमने एक स्ट्रक्चर बनाया। व्हाट इज अ स्ट्रक्चर? स्ट्रक्चर बेसिकली इज अ हायरार्की विच शोज यू टॉप मिडिल और लोअर लेवल। प्रिंसिपल को पूरा कॉलेज मैनेज करना है, टीचर्स को अपना सब्जेक्ट संभालना है, प्लस इंटरनल एग्जाम कंडक्ट करना है, क्लर्क को एडमिनिस्ट्रेशन फीस ये सब कलेक्ट करना है। तो इस प्रकार से ऑर्गेनाइजिंग क्या करता है, पहले तो एक ढांचा तैयार करता है जिसको ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बोलते हैं, और फिर कौन काम करेगा वो पोजीशन, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में पोजीशन आता है टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, और कौन क्या काम करेगा ये ऑर्गेनाइजिंग की जवाबदारी। मतलब प्लानिंग तो हो गया बट काम तो करवाना पड़ेगा ना। सो ऑर्गेनाइजिंग बेसिकली काम तय करता है और कौन क्या क्या काम करेगा। टीचिंग टीचर्स करेंगे, मैनेजमेंट कॉलेज का प्रिंसिपल करेगा, एडमिनिस्ट्रेशन क्लर्क करेगा, इस प्रकार से ये तीनों चीज आएगा। नाउ ये भी पार्ट हो चुका, लेकिन तुमने डिसाइड तो कर लिया कि प्रिंसिपल तुमको एक लगेगा, सपोजिटली 6 सब्जेक्ट है तो 6 टीचर्स लगेंगे, क्लर्क तुमको 3 लगेंगे, ठीक है ना। तो ऑर्गेनाइजिंग में तुमने ढांचा और कितने लोग लग, मतलब ये तुमने तैयार कर दिया, बट तुमको स्टाफिंग इज द नेक्स्ट फंक्शन, तुमको ये फिल तो करना पड़ेगा ना। प्रिंसिपल को अपॉइंट करना पड़ेगा, तुमको टीचर को अपॉइंट करना पड़ेगा, तुमको क्लर्क को अपॉइंट करना पड़ेगा। सो व्हाट डज स्टाफिंग डू? स्टाफिंग अपॉइंट्स द पर्सन, बोलते ना स्टाफिंग बेसिकली इज पुटिंग द पीपल, ठीक है ना, ह्यूमन रिसोर्स की बात है। सो जॉब्स और इंडिविजुअल जोड़ता है स्टाफिंग। जैसे कि प्रिंस मैनेजमेंट है तो उसके लिए प्रिंसिपल का अपॉइंटमेंट, इन शॉर्ट व्हाट डज स्टाफिंग डू, इट फिल्स अप द पोजीशन, फिल्स अप द पोजीशन। जैसे ऐसे सोचो पोस्ट खाली है और वो जगह भरने का काम स्टाफिंग करता है। स्टाफिंग कैसे जगह भरता है? पहले तो सबसे पहले का स्टेप होगा रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट मतलब लोग अपने बायोडाटास देंगे कॉलेज के पास, जो बायोडाटा आता है दैट इज रिक्रूटमेंट। फिर उनका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद में सबका सिलेक्शन होगा, फिर उन लोग को ट्रेनिंग दिया जाएगा, ठीक है ना। फिर उनको उनका बोलते ना इंडक्शन होगा, कॉलेज के बारे में बताया जाएगा, उसके बाद में 1 साल बाद उनका प्रमोशन होगा, ट्रांसफर होगा। सो प्रमोशन मतलब टीचर से एचओडी बना दिया इनको, हेड ऑफ डिपार्टमेंट बना दिया। सो बेसिकली स्टाफिंग इज नथिंग बट जो ऑर्गेनाइजिंग में तुमने काम और लोग सोचे हैं कि यहाँ पे टीचर सिखाएंगे, प्रिंसिपल मैनेज करेगा, क्लर्क फीस डिपार्टमेंट संभालेगा, इन ये जो लोग काम करने वाले हैं ये लोगों का गैप फिलअप करेगा स्टाफिंग, बाय अपॉइंटिंग द राइट काइंड ऑफ पीपल एट द राइट प्लेस, राइट टाइम एंड राइट कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल प्रिंसिपल बनना है तो एसोसिएट प्रोफेसर होना चाहिए, 10 साल का एक्सपीरियंस विद बीएड क्वालिफिकेशन लगता है। टीचर रहेगा तो नेट सेट क्वालिफिकेशन लगता है, क्लर्क रहा तो एमकॉम भी चलेगा मास्टर्स का। ये सब स्टाफिंग का जवाबदारी है। कंपनी का एचआर डिपार्टमेंट होता है, ये सब कंपनी का एक डिपार्टमेंट होता है एचआर, उसकी जवाबदारी होती है स्टाफिंग, ठीक है ना। सो व्हाट यू हैव डन नाउ, तुमने सबसे पहले प्लान किया, ठीक है ना, कि तुम्हारा जैसे कि कॉलेज के लिए प्लानिंग होगा कि उनको 1000 स्टूडेंट साल में चाहिए, ठीक है ना, जो यूनिवर्सिटी ने ग्रांट दिया है। ऑर्गेनाइजिंग में सब तुमको मेन मनी, मशीन मटेरियल्स, प्लस वर्क कौन क्या काम करेगा, प्लस कौन लोग लगेंगे, वो ऑर्गेनाइजिंग का काम, मतलब अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रिंसिपल का अथॉरिटी है, टीचर्स आर रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स द प्रिंसिपल। सो ऑर्गेनाइजिंग मतलब काम क्या होगा और कौन करेगा ये तय करेगा, और किस लेवल पे, टॉप लेवल मिडिल लेवल, लोअर लेवल, मतलब हायरार्की, वो तय करेगा। स्टाफिंग ये जो पोजीशन बना है ये पोजीशन भरेगा। स्टाफिंग लोगों को भरता है उन जगह पे जो ऑर्गेनाइजिंग में बोला है कि लगेगा, मतलब टॉप लेवल पे डायरेक्टर को अपॉइंटमेंट करेगा स्टाफिंग। सो स्टाफिंग फिल करता है पोजीशन। वंस अभी तक देखो तुम नोट कर रहे होंगे सब थ्योरेटिकल चल रहा है, मतलब प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग। अब
प्रिंसिपल भी आ गया, टीचर भी आ गया, क्लर्क्स भी आ गए, अब उनसे काम करवा के लेना पड़ेगा। सो डायरेक्शन इज नथिंग बट ये जो प्रिंसिपल है जो कि टॉप लेवल पे है, प्रिंसिपल, टीचर और जो स्टूडेंट है, सो प्रिंसिपल टीचर से काम करवा के लेगा। डायरेक्शन इज अप्लाइड मैनेजमेंट, मतलब देखा जाए तो ये जो तीनों जगह है, जो ये तीन जगह पे ये थोड़ा थिंकिंग प्रोसेस होता है। मेरा हैंडराइटिंग थोड़ा सा मैं इसको अंडू करूं, ये थिंकिंग प्रोसेस है, इधर सब सोचा जा रहा है, बट डायरेक्टिंग इज अ डूइंग प्रोसेस। सो मैनेजमेंट इन एक्शन शुरू होता है डूइंग से। सो डायरेक्शन क्या करता है, जो लोगों को अपॉइंट किया है वो इम्प्लीमेंट करता है, मतलब प्रिंसिपल टीचर से काम करवा के लेता है, मार्केटिंग मैनेजर सेल्स एग्जीक्यूटिव से काम करवा के लेता है, जो अकाउंट्स मैनेजर है अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव को बुक कीपिंग सब काम करवा के लेता है। सो डायरेक्टिंग इज अप्लाइड मैनेजमेंट, काम करवा के लेना, ठीक है ना। सो मैनेजमेंट इन एक्शन बोलते हैं। सो इस प्रोसेस में यू आर गेटिंग द थिंग्स डन थ्रू द पीपल, पीपल का अपॉइंटमेंट स्टाफिंग में हुआ है, कितने लोग चाहिए या कौन से पोजिशन, कौन सी पोजिशन लगेगी वो ऑर्गेनाइजिंग ने डिसाइड किया, क्यों, क्योंकि और प्लानिंग करना, प्लानिंग किया था, प्लानिंग क्यों किया, बिकॉज ऑब्जेक्टिव था, है ना। और ये सब हो जाने के बाद, सब प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, स्टाफिंग हो गया, लोगों से काम करवा के लिया, लेकिन कंट्रोल तो करना पड़ेगा। कंट्रोल मतलब जो तुम्हारा ऑब्जेक्टिव था, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव था 1000 स्टूडेंट्स का, अभी तक 8, अभी जो ये ऑब्जेक्टिव है ये प्लानिंग प्रोसेस में, क्योंकि प्लानिंग ऑब्जेक्टिव तय करता है और कैसे अचीव करना है वो बताता है। तो कंट्रोलिंग क्या करता है, ठीक है ना, कंट्रोलिंग सबसे पहले बोलता है कि तुमने ऑब्जेक्टिव क्या सेट किए थे, ठीक है, 1000 स्टूडेंट्स, तुमने प्लान किया था कि इस प्रकार से स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करेंगे, और जब एक्चुअल देखा तो 800 हुआ, प्लान था 1000 का, हुआ 800, मतलब डिविएशन आया, डिविएशन मतलब 200 कम पड़ गए, तो यहाँ पे करेक्टिव एक्शन की जरूरत है। अब मैं तुमको बेस्ट एग्जांपल कंट्रोल का देता हूँ, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का। एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ठीक है ना, सपोजिटली यहाँ पे एक प्रोडक्शन मैनेजर है, प्रोडक्शन मैनेजर को बोला गया है कि एक महीने में 3000 गाड़ी बनाना है, 3000 व्हीकल्स इन अ मंथ का एक उसको गोल दिया गया, क्योंकि कंपनी का ऑब्जेक्टिव है साल में 36000 गाड़ियां बनाना है, बेचना है। तो प्रोडक्शन मैनेजर को बोला जाता है कि भाई तुझे महीने में 3000 व्हीकल बनाना है, मतलब एवरी डे कितना बनाना है, मंथली सपोजिटली 30 दिन है, तो हर रोज 100 गाड़ियां व्हीकल बनाना है। नाउ प्रोडक्शन मैनेजर क्या करेगा, एक डेली प्रोडक्शन रिपोर्ट पहले तो प्लान करेगा कि भाई दिन में 100 गाड़ी बनाना है, ये प्लान हो गया। फिर मतलब प्लान कैसे करेगा कि 100 गाड़ियां बनाना है, अभी दिन के एंड में एक्चुअल बना 95, तो वो डेली प्रोडक्शन रिपोर्ट मांगेगा। ये डेली प्रोडक्शन रिपोर्ट रात को बनता है, पूरे दिन का, पूरे दिन के बाद जो रिपोर्ट तैयार हुआ है उसके बाद वो चेक करता है डेली प्रोडक्शन रिपोर्ट में कि भाई गड़बड़ी कहाँ पे हुआ है, गड़बड़ी हुआ है कि तुमने प्लान किया था 100 बना 95, मतलब 5 गाड़ी का शॉर्टफॉल है, वो तुरंत बोलता है एक्स्ट्रा शिफ्ट काम करके कराओ। सो कंट्रोलिंग क्या करता है, जो प्लान काम था और जो एक्चुअल हुआ उसको कंपेयर करता है और फर्क निकालता है ताकि करेक्टिव एक्शन लिया जाए। देखा जाए तो कंट्रोलिंग क्या है, तुम्हारे गाड़ी का हैंडल, तुम गाड़ी चला रहे हो, तुम सपोजिटली नासिक रोड रहते हो, तुमको कॉलेज रोड आना है, तुमने गाड़ी स्टार्ट किया, गाड़ी चल रही है, तुम अपना गाड़ी का हैंडल उस हिसाब से चलाओगे जिस हिसाब से वो गाड़ी तुम्हारा जो ऑब्जेक्टिव है कॉलेज रोड पहुंचाना वो पहुंचा दे, सिग्नल आया तो रुकोगे, फिर फ्री रास्ता मिलोगे तो चालू करोगे। सो कंट्रोलिंग इज बेसिकली तुम हैंडल को कंट्रोल कर रहे हो ताकि जो डायरेक्शन तुमने तय किया था प्लानिंग का उस हिसाब से काम चलता रहे। जैसे कि
एक एयर कंडीशनर में और एक फ्रिज में थर्मोस्टेट रहता है। थर्मोस्टेट क्या करता है कि सपोजिटली तुमने 18 डिग्री नहीं, तुमने 22 डिग्री सेट किया टेम्परेचर, जैसे ही टेम्परेचर पहले रहता है 26 चालू हुआ तो कम होते होते 22 आता है, रूम चिल हो गया तो थर्मोस्टेट एसी को बंद कर देता है, ठीक है ना। और फिर वापस जब टेम्परेचर बढ़ता है तो वापस चालू होता है एसी, ऐसे ही काम करता है। तुम्हारा गीजर ले लो, गीजर में यदि ये सब इंस्ट्रूमेंट नहीं डाला जाए तो पूरा गीजर फट जाएगा बॉयल होके, है ना। तो गीजर में जो ये जो थर्मोस्टेट है जो बोलते हैं ना डिवाइस फिट किया जाता है वो कट कर देता है कनेक्शन द मोमेंट एक लेवल पे पानी या अंदर हीट हो गया तो वो अपने आप काट देता है कनेक्शन। तो गीजर और थर्मोस्टेट कंट्रोल के तौर पर काम करते हैं। जैसे तुमने अलार्म सेट किया 6 बजे का सवेरे, तो जैसे ही तुम्हारा मोबाइल 6 बजे पहुंचा तो वो ट्रिगर होता है सो दैट तुम्हारा प्लान और एक्चुअल साथ साथ चलता रहे, इसलिए वो कंट्रोलिंग का जरूरत है। और कोऑर्डिनेशन क्या करता है, जैसे कि सेल्स डिपार्टमेंट ने बोला कि 1,000 गाड़ियां महीने में, या सपोजिटली 3 साल का 36,000 महीने का 3,000 गाड़ी तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बनाना है, मतलब परचेज डिपार्टमेंट को रॉ मटेरियल खरीदना है, मतलब एचआर आदमी को लोग लगेंगे तो वो फिट करना है, फिनेंस को पे करना है, सब एक्टिविटीज को जोड़ता है। सो कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट का फंक्शन नहीं है बट इट इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट जो बाकी के सारे फंक्शंस को जोड़ने का काम करता है कोऑर्डिनेशन। इस हिसाब से पहला फंक्शन कौन सा है, प्लानिंग, आखिरी फंक्शन कौन सा है, कंट्रोलिंग। यदि प्लानिंग ही नहीं है तो कंट्रोलिंग किसका करोगे, जब तुमको पता ही नहीं कितना टेम्परेचर रखना है तो एसी चलते रहेगा अपने हिसाब से। मतलब वो वाली बात हो गई, समुद्र में तुमने शिप तो छोड़ दिया लेकिन जीपीएस ही नहीं है तो शिप कहाँ जाएगा, जहां पे हवा लेके जाए वहां पे जाएगा, ऐसा तो करना नहीं है क्योंकि हर एक कंपनी का ऑब्जेक्टिव रहता है कि इस दिशा में जाना है। वंस तुमने जीपीएस सेट कर दिया, तुम्हारा जो जो रॉकेट जो उड़ता है वो कैसे चलता है, तुमने कभी रॉकेट जो रॉकेट देखा है वो कैसे काम करता है, जो रॉकेट है ठीक है ना, मेरे को शायद वो डिजाइन करते हुए नहीं आ रहा है लेकिन लेट अस सी, ये रॉकेट है ठीक है ना, ये रॉकेट में जो जीपीएस सिस्टम्स फिट किया गया है ठीक है ना, ये मुझे लगता है कि कौन सा रॉकेट बनाऊं मैं तो ऐसे बोलते ना फुलझड़ी बना रहा था। लेट अस टेक दिस एज अ रॉकेट, ये रॉकेट है, अब ये रॉकेट ओके काम करेगा, अब क्या भगवान ने ड्राइंग का गिफ्ट नहीं दिया तो क्या करे। अच्छा है सर, कुछ नहीं। तो ये जो रॉकेट है ये कंटिन्यूअस डिविएशन और इम्प्रूवमेंट में काम करता है, मतलब इसमें जीपीएस फिट किया जाता है। अब जब रॉकेट हवा में है तो उसको हवा वातावरण सब असर करेगा, ये बार बार डिविएट करेगा और बार बार जीप जो उसमें कंप्यूटराइज सेटिंग है वापिस वो इधर पूछेगा, और इसका गोल इधर है तो ये कैसे बार बार मूवमेंट ऐसे ऐसे करके जीपीएस जैसे उसके थ्रू लास्ट में टारगेट। आजकल के स्मार्ट मिसाइल कैसे हिट करते हैं, स्मार्ट मिसाइल जो ऑब्जेक्टिव दिया जाता है और जो प्लान ऑफ कोर्स जीपीएस से कोर्स दिया जाता है उस कोर्स में चलना है, लेकिन हवा बार बार ढकलेगा तो बार बार वो अपने डायमेंशन से डाइवर्ट होगा लेकिन बार बार एक्चुअल में लेकर आएगा उसको जीपीएस सिस्टम्स उसका। इस प्रकार से रॉकेट, क्योंकि इसमें कंट्रोल मैकेनिज्म है, तुम्हारे गाड़ी में कंट्रोल मैकेनिज्म नहीं रहा तो तुम्हारी गाड़ी में ब्रेक कैसे रहेगा, जो प्लान किया था कैसे पहुंचेंगे, इसलिए कंट्रोलिंग इज द लास्ट फंक्शन बट अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। लेकिन प्लानिंग है पर कंट्रोलिंग नहीं तो कुछ फायदा नहीं प्लानिंग करके, ठीक है ना, और कंट्रोलिंग है पर प्लानिंग नहीं तो तुम कंपेयर किस किसके साथ करोगे। सो दोनों एक दूसरे का बोलते ना पूर्तता करते हैं, तो ये तुम्हारा फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट था जो कि शॉर्ट नोट के रूप में आएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, उनका भी फायदा हो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।